संघर्ष की, कहानी उत्कर्ष की, कहानी एक ऐसी शख्सियत की जिसने गरीबी और गुमनामी के अंधेरों से निकलकर विपक्षियों की नकारात्मक सोच को, मैं आपको वायदा करता हूँ कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अपनी सकारात्मकता से खत्म करते हुए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को संभाला। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और न सिर्फ संभाला बल्कि ऐसे बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए जिनकी पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है। इन फैसलों में भव्य राम मंदिर का निर्माण, अनुच्छेद 370, 35A को खत्म करना, 3 तलाक को खत्म करना, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, डिजिटलाइजेशन, स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय सुरक्षा और बेहतर विदेश नीति जैसे फैसले शामिल हैं। अपने 9 सालों के कार्यकाल में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने हर दिन नए कीर्तिमान बनाते हुए देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। वहीं विपक्ष ने पग पग पर मोदी जी द्वारा लाई गई योजनाओं का मजाक बनाते हुए उनके मनोबल को तोड़ने की नाकाम कोशिशें जारी रखी हैं। आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो, मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता आज। लेकिन मोदी जी कने भी अपने पद से विचलित नहीं होते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उनका सपना है भारत को नंबर 1 बनाना, उनका सपना है देश को उसकी खोई हुई गरिमा और पहचान वापस लौटाना। इसके लिए आदरणीय मोदी जी बिना थके, बिना रुके और एक भी दिन छुट्टी लिए बगैर दिन रात काम कर रहे हैं, ताकि वो भारत को विकासशील देश से विकसित देश बना सके। और उनके इस कार्य प्रणाली को देखते हुए ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मोदी जी का जन्म भारत के विकास और उत्थान के लिए ही हुआ है, और यही कारण है कि इन्हें विकास पुरुष कहा जाता है।